मैं डीएम मैडम को कहना चाहता हूं कि आप खुद आकर के देखें, आपके कहने के बावजूद न सीओ आया न कोई भी पदाधिकारी आया, यहां लोग मुसीबत में फंसा हुआ है, गाय गरु बीमार पड़ रहा है फ्लड के कारण, अब तक कोई भी डॉक्टर जो वेटनरी वाला है उन लोग भी नहीं आया है, मवेशी काफी तादाद में मर रहा है और बीमार पड़ रहा है, जिसके कारण इस गाँव में गोरखपुर पंचायत और मुकरिया पंचायत के जितवारपुर में और बालूगंज में काफी दयनीय स्थिति हो गई है। मैं डीएम मैडम को कहना चाहता हूं कि आप खुद आकर के देखें, आपके कहने के बावजूद न सीओ आया न कोई भी पदाधिकारी आया, यहां लोग मुसीबत में फंसा हुआ है, गाय गरु बीमार पड़ रहा है फ्लड के कारण, अब तक कोई भी डॉक्टर जो वेटनरी वाला है उन लोग भी नहीं आया है, मवेशी काफी तादाद में मर रहा है और बीमार पड़ रहा है, जिसके कारण इस गाँव में गोरखपुर पंचायत और मुकरिया पंचायत के जितवारपुर में और बालूगंज में काफी दयनीय स्थिति हो गई है। मैं डीएम मैडम को कहना चाहता हूं कि आप खुद आकर के देखें, आपके कहने के बावजूद न सीओ आया न कोई भी पदाधिकारी आया, यहां लोग मुसीबत में फंसा हुआ है, गाय गरु बीमार पड़ रहा है फ्लड के कारण, अब तक कोई भी डॉक्टर जो वेटनरी वाला है उन लोग भी नहीं आया है, मवेशी काफी तादाद में मर रहा है और बीमार पड़ रहा है, जिसके कारण इस गाँव में गोरखपुर पंचायत और मुकरिया पंचायत के जितवारपुर में और बालूगंज में काफी दयनीय स्थिति हो गई है। मैं डीएम मैडम को कहना चाहता हूं कि आप खुद आकर के देखें, आपके कहने के बावजूद न सीओ आया न कोई भी पदाधिकारी आया, यहां लोग मुसीबत में फंसा हुआ है, गाय गरु बीमार पड़ रहा है फ्लड के कारण, अब तक कोई भी डॉक्टर जो वेटनरी वाला है उन लोग भी नहीं आया है, मवेशी काफी तादाद में मर रहा है और बीमार पड़ रहा है, जिसके कारण इस गाँव में गोरखपुर पंचायत और मुकरिया पंचायत के जितवारपुर में और बालूगंज में काफी दयनीय स्थिति हो गई है।